और यहाँ पर मम्मी जी हमारे रो रहे हैं। मम्मी जी क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? ये प्याज जो मेरे को रुला रहा है। तो लीजिए जी, यहाँ पे लंच का जुगाड़ हो चुका है और यहाँ पर आग तोड़ देते हैं ताकि ये जल्दी से पक जाए, कच्चा ना रह जाए, क्योंकि कच्चे रहने के भी चांसेस रहते हैं। फिर यहाँ पर मम्मी जी पहले आ गए थे तो मम्मी जी के हाथ पैर कांप रहे हैं अभी तो। मम्मी तो फिर मुझे अभी याद आया, जब ये छोटे थे बच्चे तब भी एक बार मैं डंगरों के साथ आई थी तो बारिश लगने वाली थी और छाता भी नहीं था, तो मैंने सोचा मैं इधर इनको दोनों सो गए थे मठ में सुला देती हूँ। रोटी के इस स्वाद को और ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं इसके अंदर चटनी के अंदर वाली मिर्ची एंड इस रोटी के अंदर वाला नमक। मज़ेदार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज मिस सुंदर खन्ना एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में हम दिखाने जा रहे हैं आपको बिस्रुट्टी की रेसिपी, और आज हम आ चुके हैं उसी लोकेशन पर, पीछे जो मैंने एक वीडियो डाली हुई थी उसको भी आप लोगों ने थोड़ा अच्छा प्यार दिया है, और उसमें एक भाई ने कमेंट किया था, तो उस कमेंट को देख करके हमने आज ये डिसाइड किया है कि हम आपको बताएंगे बिस्रुट्टी की रेसिपी। सो आज फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे, और अभी दिन का टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह दिख रही है यहाँ से, एंड बाकी व्यू देख सकते हो यहाँ पे, हर जगह पे कैंपिंग कर सकते हो आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अंदर दिखाते हैं आपको रेसिपी। यहाँ पर देख सकते हो मम्मी जी, राधे राधे जी सबको, राधे राधे। आज बन रही है बिस्रुट्टी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हमने गेहूं और मक्की का आटा लाया हुआ था, इस तरह से मिक्स कर देंगे नॉर्मल जैसे खाना बनाते हैं उसी तरह से। ये गेहूं और मक्की का आटा जो है मैंने मिक्स कर दिया है, घर से ही मिक्स करके लाया, अलग अलग लिफाफा नहीं मिल रहा था। हमने सामान भी लाया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो आप, वहाँ पे रखी हुई है मिर्च, यहाँ पे देख सकते हो ये पानी रखा हुआ है, यहाँ पे एक और पानी, कीड़ में लाया हुआ है सारा सामान, और बाकी उस तरफ देख सकते हो प्याज लगा लाया हुआ है वहाँ पे, और आलू कहाँ है? इधर है, कीड़ में है, कीड़ में, कीड़ में है अभी। तो बाकी बाहर का व्यू देख सकते हो, बाहर दिख रहा है आपको माउंटेन व्यू, और अभी तो बादल है नहीं तो यहाँ पे बर्फ दिख जाती है। अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी जैसी बर्फ, जूम करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर आपको दिख रही है बर्फ, यहाँ से क्लियर बर्फ दिखती है, चारों तरफ यहाँ से बर्फ ही बर्फ होती है। ये सारा जो एरिया है ये है चुराह वैली डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश, और ये रहा साच पास, इस तरफ साच पास है, इस तरफ, बट अभी तो यहाँ पे बादल ही बादल हो चुके हैं। तो जो सामने ये आपको धार दिख रही है ये है तिस्सा की धार, और इस धार से ऊपर चढ़ करके यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैक है, यहाँ पे इस ट्रैक का नाम है गडासरू महादेव, जो लगभग 30 से 35 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई है का ट्रैक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रैक है। ट्राई करेंगे कि इस साल हम इस ट्रैक को कर पाएँ, जाएंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे जाने की। यह मानना है कि एक तरफ कैलाश, कैलाश के एक तरफ मणि महेश है और दूसरी तरफ गडासरू महादेव की लेक है, बट पता नहीं क्या सत्य है। बाकी इसमें थोड़ा थोड़ा नमक मिक्स किया जा रहा है जी, आटे में हमने मिक्स कर दिया है नमक, और इस तरह से फिर नॉर्मली जैसा खाना बनता है उसी तरह से रोटी पकती है, उसी तरह से आटे को हम मिक्स करके गूंथ देंगे। फर्श कैसा डाला हुआ है, लकड़ी का ही फर्श है अच्छी तरह से। बाकी यहाँ पे चूल्हा है, ऊपर देख सकते हो छत कुछ ऐसी, साथ में पेड़ है। तो लीजिए जी, आटा भी गूंथ चुका है, और यहाँ पे हम तीन तीन रोटियाँ बनाएंगे, जिसको बोलते हैं भिस रोटी। इसको भिस रोटी क्यों बोलते हैं? यो भूसे में डालते हैं ना इसको, आग के भूसे में डालते हैं, राख में। हाँ जी, अच्छा, तब इसको भिस रोटी बोलते हैं। रोटी इस तरह से तैयार हो रही है, इसको हाथ से जैसे मक्की की रोटी बनाते हैं, जिन लोगों को पता होगा उनको पता होगा, तो इसको सेंटर से हम पतला कर देते हैं ताकि इस कच्ची ना रह जाए बीच में, और इस तरह से इसको फिर हम आग जला करके आग में डालेंगे। फिलहाल अभी एक रोटी बन चुकी है, दूसरी तैयार करते हैं अब। तो रोटी बनाने से पहले ये ख्याल रखना होता है कि पहले आग जला करके रखनी होती है, और जिस जहाँ जिस जगह पे आप बना रहे हो वहाँ पर जो राख है वो भर के होनी चाहिए, ताकि रोटी इसमें डूब सके, दब सके, और
रोटी बनाने से पहले इस पर आग जला दें ताकि जो राख है वो गर्म हो जाए। तो हमने पहले ही यहाँ पर आग जला दी थी कि राख गर्म हो सके, तो फिर उसके बाद हमने रोटी तैयार की। तो अभी इस तरह से फिर जगह बना देते हैं हम, इसके बीच में एक रोटी डाल दी है। और अब इसमें साइड साइड से डालेंगे आलू, बड़े बड़े आलू हैं, उन पर हम डंडे से थोड़ा इसको तोड़ देते हैं ताकि ये जल्दी से पक जाए, कच्चा ना रह जाए, क्योंकि कच्चे रहने के भी चांसेस रहते हैं। फिर ये तो छोटे छोटे हैं, इनको सभी को डालेंगे। तो हमने जो है 14 आलू डाल दिए हैं इसमें। अब जो छोटे छोटे हैं वो तो पता नहीं मिलेंगे भी या नहीं इसमें, ये बहुत धूल का कुआं हो चुका है। अब देखते हैं, अब इसमें आग जलाते हैं। आग को जलाने के लिए इस लकड़ी का यूज़ हुआ है, इसमें तेल होता है और इसको जंगड़ी बोलते हैं हम, इसमें निकलता है तेल। इसमें से अगर इससे हमने आग जलाई, इससे जल्दी आग जल जाती है। और सामने देख सकते हो आग कैसे जल रही है, बाकी इसका कमाल है ये सारा। तो लीजिए जी, यहाँ पे लंच का जुगाड़ हो चुका है और यहाँ पर आग आग जल रही है। अभी अभी हम कुछ काम करने के लिए जाते हैं खेत में और फिर आते हैं यहाँ पर 1 घंटे बाद, और तब तक आपको सिनेमैटिक शॉट दिखा देते हैं यहाँ के। गाइज अभी आ चुके हैं 1/2 घंटे के बाद यहाँ पर, और हम तो वहाँ पे खेत में थे, स्प्रे कर रहे थे जो कल हमने मटर बोए थे, लेकिन यहाँ पर मम्मी जी पहले आ गए थे। तो मम्मी जी के हाथ पैर कांप रहे हैं अभी। तो मम्मी क्या हो गया? यहाँ मैं आग जला रही थी, मैंने चेक किया तो अभी भी रोटी पकी नहीं थी। अच्छा, मैंने सोचा और आग जला देती हूँ। जैसे मैं यहाँ आग जला रही थी, यहाँ लकड़ियाँ रखी थी, उधर से इतना बड़ा काला सांप आया इधर, यहाँ ऐसे आके खड़ा हो गया। मैं भी ऐसे डर गई, वो मैं इधर से इधर भागी और वो इधर से उधर भाग गई। अच्छा, मैं तो बिल्कुल डर गई, और बस 2-4 सेकंड में अगर वो यहाँ आ जाता तो मुझे खा जाता। अच्छा, बिल्कुल काला था, शायद अभी रोटी खाने आया था मेहमान बन के, पर मेहमान से मैं पहले मैं ही डर गई, उसको भी डर के मारे भागना पड़ा, इस तरफ आ गए। सुबह भी मैं शशि को बोल रही थी कि ये कल के रखे हुए थे ये कंबल वगैरह, आके बैठ गया। मैंने इसको बोला कि भाई ऐसे मत, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो अगर इसके नीचे सांप बैठ गया हो तो फिर। तो फिर मुझे अभी याद आया, जब ये छोटे थे बच्चे तब भी एक बार मैं डंगरों के साथ आई थी, तो बारिश लगने वाली थी और छाता भी नहीं था, तो मैंने सोचा मैं इधर इनको, दोनों सो गए थे, मठ में सुला देती हूँ। फिर मैंने इनको मठ में सुलाया और डंगर फिर चले गए दूर में, इनको हटाने गई, मैं उनको हटा के आई तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि मैंने बच्चों को उधर छोड़ तो दिया है पर कहीं सांप ना आ जाए, पता नहीं भगवान ने कुछ ऐसा याद दिलाया होगा। फिर मैं जैसे ही मैं उधर मार में आई तो मैंने देखा कि सचमुच सांप आ गया था, बस थोड़ा ही इनके थोड़ा ही दूर था। मैं उस दिन में बड़ी डर गई थी। अब मैंने सोचा कि अब बच्चों को कैसे उठाऊंगी, अब सांप भी आ गया है और बच्चे भी इधर हैं। तो मैंने जो है ये जो हमारी बनखंडी माता, इनको कहा कि हे बनखंडी माता मेरे बच्चों को कुछ मत हो, ये सांप भाग जाए यहाँ से। तो बस इतना बोलते ही वो सांप वहाँ से चला गया, फिर मेरी जान में जान आई और मैंने दोनों बच्चों को उठा के अपनी पीठ और गोद में सुला दिया उनको। तब से मैं जो बहुत डरती रहती हूँ कि मठ में भी जो है सांप होते हैं, तब मैं सुबह शशि को बोल रही थी कि इस पर मत बैठ, इसके नीचे अगर सांप हुआ तो। ऐसा कुछ राज मेरा सदेला भी सख्त हो जो धड़क रहा है। तो जी, यहाँ पर ऐसा होता है कि इस साइड एक सांप घूमता रहता है, यहाँ पे जैसे लोकल मान सकते हो, इस जगह का लोकल जो है सांप मिलता रहता है आगे पीछे। पहले जब हम छोटे थे तो हम ऊपर डंगरों के साथ जाते थे ऊपर गांव से ऊपर वाली साइड, तो वहां पर भी 2-3 बार मिला था, और बिल्कुल एक काला सांप कोई 7-8 फुट लंबा, वही सांप है जो ये इस एरिया में घूमता रहता है। तो जिस मठ की मम्मी जी बात कर रहे थे कि बचपन में हम उस मठ में थे और सांप का खतरा था उस दिन, वो दिखाते हैं आपको यहाँ से। ये एक जहाँ पे अभी हम हैं और वो है वहाँ पे, ये देख सकते हो, ये रहा यहाँ पे, इस वाले मठ में वो इंसिडेंट हुआ था। और पलटा लगने वाला है बिस्रोटी के लिए,
आग यहाँ से हटानी पड़ेगी। तो जी यहाँ पे बनने जा रही है चटनी, और उससे पहले चक्के को अच्छी तरह से धो लेंगे, और जो चटनी बनाने वाला जो पत्थर होता है उसको भी हम साफ कर लेंगे अच्छे से। 1.5 घंटा वेट करने के बाद एक हमारी बस रोटी जो है तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हमने आलू निकाल लिए हैं, आलू भी पक चुके हैं। तो कितने आलू निकले मम्मी जी? अभी तक दस आलू निकले हैं। कितने डुबाए थे इसमें? 14 थे, पर अब मिलना मुश्किल है। और क्यों? अब इसमें पता नहीं लग रहा है धूल में, या छोटे छोटे है ना। 11 आलू हो गए हैं। तो यहाँ पे आकर के ये बिस्रोटी बनाने के पीछे रीज़न मैंने आपको बता दिया कि हमारे सब्सक्राइबर ने एक कमेंट करके पूछा था कि भाई इसकी रेसिपी बताना। तो हमारे YouTube फैमिली के मेंबर के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि छोटी सी एक वीडियो बना देंगे उनके लिए। तो आप भी गाइस ऐसे ही कमेंट करते रहिए और बताते रहिए बीच बीच में कि आपको क्या देखना पसंद है। तो लीजिए अब कहाँ आप कहाँ से हैं आप ज़रूर कमेंट में बताना, मैं भी पता लगे कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँची है, पहुँच रही है, कमेंट में ज़रूर से बताना जी। अपने शहर का नाम लिखना है कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो, ताकि हम भी जान सके कि कहाँ कहाँ तक हमारी वीडियो पहुँची है अभी तक। तो लीजिए चटनी चटाकेदार तैयार हो रही है यहाँ पे, और बाहर इस तरह से चटनी के साथ खाना खाने का आनंद ही कुछ और होता है। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर घर से बाहर चटनी और साथ में सूखी रोटी भी मिल जाए तो अल्टीमेट पूरा मतलब आनंद आता है, आनंद की अनुभूति हो जाती है। और यहाँ पर मम्मी जी हमारे रो रहे हैं। मम्मी जी क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? ये प्याज जो मेरे को रुला रहा है। तो यहाँ देख सकते हो ये हमारा आलू जो था वो आलू बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। तो लीजिए जी चटनी भी यहाँ पर तैयार हो चुकी है, एंड यहाँ पे देख सकते हो बस रोटी भी तैयार हो चुकी है। इसको हम थोड़ा फूंक देते हैं, देख सकते हो कितनी धूल उड़ रही है। तो मम्मी जी आपने चटनी में क्या क्या मिलाया हुआ है आप जरा बताएंगे? चटनी में पुदीना है, प्याज है, नमक है, मिर्ची है, आलू है, और अपना ढेर सारा प्यार भी है। अब टेस्ट करते हैं कि कैसा रहता है, मुंह में पानी आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा, जिसने एक्सपीरियंस किया होगा उसको आ रहा होगा, बाकी जो जिसने नहीं किया उसको नई चीज़ लग रही होगी। बट गाइस आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करना, अपने घर में कहीं बाहर जाओगे तो बस हमने थोड़ा सा आटा लेना है, मक्की का थोड़ा लेना है, गेहूँ का, उसको मिक्स करके जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथ देना है, और कहीं एक जगह पर अच्छी जैसी राख, थोड़ी ज़्यादातर राख बना लेनी है, उस पर आपने उसको गर्म करके उसमें डाल देनी है, और ठीक 45 मिनट तक एक साइड इसकी पकानी है आग में, ऊपर आग जला देनी है अपने, राख में इसको दबना देना है, फिर उसके बाद इसका पलटा लगा देना है दूसरी तरफ के लिए, और 15 मिनट के लिए फिर दूसरे तरफ पकाने के लिए रखनी है, और फिर 1 घंटे में आपकी बस रोटी तैयार हो जाएगी। आप यकीन नहीं मानोगे कि इतना ज़्यादा टेस्ट आता है ना उसका फिर। और साथ में चटनी भी बनानी पड़ेगी आपको, जो भी अपने हिसाब से बना लेना। पत्थर पे ये थोड़ी मोटे साइज़ की चटनी अगर बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर ऐसी लोकेशन हो चारों तरफ का व्यू उतना बढ़िया हो तो फिर तो जन्नत। तो लीजिए जी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं हमने इसके, और इसकी चटनी आए हाय हाय लाजवाब। अभी करते हैं टेस्ट इसको कि कैसा रहता है इसका टेस्ट, आपको भी बताते हैं। तो लीजिए जी एक टुकड़ी उठा ली है हमने और इसको टेस्ट करते हैं। आय हाय 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 क्या बात है, अभी भूख भी लगी थी बिकॉज सुबह से हमने ना ब्रेकफास्ट किया था, अभी सीधा हम लंच कर रहे हैं, टाइम अभी 3 हो रहे हैं। रोटी के इस स्वाद को और ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं इसके अंदर चटनी के अंदर वाली मिर्ची एंड इस बिस्रोटी के अंदर वाला नमक, मज़ेदार। मम्मी जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही टेस्ट है, पर जो है धुआं बड़ा लगा आपको में। तो दोस्तों टेस्ट कर ली है, खा ली अच्छी तरह से, एक ख़त्म कर दिया हमने और पेट फुल हो गया, आनंद आ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, और सो सकते हो 3:15 बजे तक बिना लंच ब्रेकफास्ट के बैठना, और ऊपर से काम कर रहे थे, बैठे नहीं थे, उधर खेत में पानी घेर रहा था, बैल जोते थे, चरे लगा रहे थे। तो अभी यहाँ पे फिलहाल चक्के को धो देंगे हम और इसको खड़ा कर देंगे इधर साइड में।
सो गाइस अभी आ चुके हैं घर में, अभी तो शाम हो चुकी है, अभी वीडियो का एंड कर देते हैं और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मम्मी जी कैसा लगा आपको आज का दिन? आज का दिन अच्छा भी रहा और बुरा भी। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।